नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का श्री एजुकेशन की तरफ से। और मेरा नाम है रवि। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी का ये टेस्ट सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप हमारे इंडियन पॉलिटी का क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं तो आप अपने आप को चेक कर सकते हैं, आपने जो पढ़ा हुआ है क्या उसका लाभ आपको मिला हुआ है। अगर आपने क्रैश कोर्स नहीं देखे तो जल्दी से देख लीजिए, उन क्रैश कोर्स को पढ़ते रहिए और ये टेस्ट सीरीज देखते रहिए, तो इंडियन पॉलिटी आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा, बहुत आसान आपको लगना शुरू हो जाएगा। इसके PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, या आप अगर टेलीग्राम एप्लीकेशन है आपके मोबाइल में, @श्री एजुकेशन लिख के सर्च कर लीजिए, चैनल आ जाएगा, वहां पे आप सारे PDF इसके पा सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज का पहला लेक्चर होगा, ये जरूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पहले से ही पॉलिटी पढ़ रखी है तो भी आप इस पर अपने आप को चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाली परीक्षाओं में जरूर पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन की मैं डिटेल भी आपको बताऊंगा, और ये आप सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए हैं, तो पूरा लेक्चर आप जरूर देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल का क्या नाम था। हर क्वेश्चन पर आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा, आप उसका उत्तर दे सकते हैं, आप अपने आप को चेक कर लीजिए। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल का नाम आपको बताना है, तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल का नाम है वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, देखिए 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा वो उठाया गया ऐसा कदम था जिसके अंतर्गत जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके कार्यों को जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं नियंत्रित कर दिया गया था और एक डायरेक्शन दे दी गई थी। तो पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया, उसी के अंतर्गत एक गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल की पोस्ट रखी गई, वो पहला गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स थे। इनमें और भी नाम है, देखिए रॉबर्ट क्लाइव, तो बंगाल का जो पहला गवर्नर था, गवर्नर जनरल नहीं, पहले बंगाल का गवर्नर, पहले गवर्नर हुआ करते हैं, तो बंगाल का जो पहला गवर्नर था वो रॉबर्ट क्लाइव ही था। और लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि जब गवर्नर जनरल की पोस्ट आई बंगाल में, तो पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बना। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है यहाँ पे, क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अब जो बंगाल के गवर्नर जनरल की पोस्ट थी ना, उसका नाम हो गया भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल, जो ये 1833 का जो चार्टर्ड एक्ट आया था उसी के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और लॉर्ड कैनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, क्योंकि 1858 का भारत शासन अधिनियम था उसके तहत लॉर्ड कैनिंग को भारत का वायसराय बनाया गया। तब पोस्ट जो गवर्नर जनरल की पोस्ट को क्या कहा जाने लग गया, वायसराय। ठीक है, तो भारत के पहले वायसराय का नाम पूछा जाए लॉर्ड कैनिंग, भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक, और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग होंगे। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। तो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई, ये आपको बताना है, तो बताइए। तो इसका आंसर है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना करने का प्रावधान हुआ था। तो एक साल बाद अर्थात 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला जो ये एक्ट था, ऑलरेडी आपको बताया, इसी में एक पोस्ट आई जो बंगाल के गवर्नर जनरल के नाम से जानी जाती थी, वारेन हेस्टिंग, ये पहले बंगाल के गवर्नर जनरल, ऑलरेडी आपको बता दिया, क्रैश कोर्स आपने पढ़े हैं तो आपको अच्छे से आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, BOC अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब हुई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल मतलब नियंत्रण बोर्ड, नियंत्रण बोर्ड, या इसे आप कहें बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो इसकी स्थापना 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था इसमें की गई, इसकी स्थापना बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। अब देखिए, इससे पहले 1773 का एक्ट तो आ ही गया था, अब इसमें बताया गया था 20 साल बाद आएगा अगला चार्टर्ड एक्ट। ठीक है, मगर इसमें कुछ कमियां थी, 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था इसमें कुछ कमियां थी, इसी कमियों को पूरा करने के लिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, इसी के अंतर्गत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो पहले ही था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। तो मतलब बेसिकली क्या किया गया, जो कंपनी के व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य को अलग अलग कर दिया गया। जो व्यापारिक कार्य थे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम संभालती थी,
और जो राजनीतिक मामले थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को संभालने थे, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। अब देखिए जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी इसमें टोटल कितने सदस्य थे, ये भी पूछा जाए तो 6 सदस्य थे इसमें, ठीक है। इन 6 सदस्यों का जो चुनाव है, जो इन 6 सदस्यों की जो नियुक्ति है वो ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा की जाती थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिए। तो इतनी बातें आपको बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति कब हुई? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है, सोच के बताइए। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो होगा 1833 का चार्टर्ड एक्ट। देखिए 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल की परिषद था ना, तो गवर्नर जनरल की परिषद में एक और सदस्य को ऐड कर दिया गया। वो जो सदस्य ऐड किया गया वो विधि विशेषज्ञ था, अर्थात कानून विशेषज्ञ के रूप में जोड़ा गया। और उनका नाम भी आपको मालूम होना चाहिए, मैकाले उनका नाम है, ठीक है, मैकाले को जोड़ा गया 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत। 1833 के चार्टर्ड एक्ट के पहले क्या था कि जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें केवल 3 सदस्य थे, मगर एक चौथे सदस्य को जोड़ दिया गया। किसको? मैकाले को जोड़ा गया, कानूनी विशेषज्ञ के रूप में, जो कानून को जानने वाला हो। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। और ये भी आपको बात याद रखनी है, 1833 का जो चार्टर एक्ट था इसी के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का अब नाम क्या हो जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल। और आपको उनका नाम भी मालूम होना चाहिए, इससे पहले हमने आपको बता ही दिया है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक है, क्या नाम है उनका, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ये भारत के पहले गवर्नर जनरल होंगे। इससे पहले जो पद था वो किस नाम से था, बंगाल का गवर्नर जनरल। और 1858 में आप देखेंगे ये पद का नाम हो जाएगा वायसराय। ये आपको बहुत ही आसान लग रहे होंगे अगर आपने क्रैश कोर्स पढ़े होंगे। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार कब सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था की गई? तो इसका आंसर आपको बताना है, चलिए बताइए। बिल्कुल सही है, 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। तो जो 1853 का जो चार्टर एक्ट था उसी के अनुसार एक लक्ष्य रखा गया कि अब से क्या होगा, जो सिविल सेवकों की भर्ती है या उनका जो चयन करना है उसके लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था की जाएगी। तो इस प्रकार जो है सिविल सेवा की जो परीक्षा थी, पहली बार इसमें भारतीय नागरिक जो थे वो भी इसमें हिस्सा ले सकते थे, वो भी ये परीक्षा दे सकते थे। तो इसी के लिए खुली प्रतियोगिता के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 1854 में एक मैकाले समिति का गठन हुआ, मैकाले समिति का गठन हुआ, ये याद रखेंगे आप। देखिए 1853 का जो एक्ट है ये एक तरीके से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए इस तरीके से रहता है। इससे पहले क्या था, गवर्नर जनरल की एक ही कार्यकारी परिषद था, ठीक है, अब गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक ही कार्यकारी परिषद था, मगर अब क्या हुआ, इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की एक और परिषद आ गई जो कानून निर्माण करने के लिए, ये सहायता के लिए बनाई गई थी, जिसे विधान परिषद के नाम से जाना गया, गवर्नर जनरल की विधान परिषद। एक तो थी पहले से गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद, उसमें एक सदस्य को जोड़ा गया था ना कानून विशेषज्ञ के रूप में, वो कानून बना रहे थे, मगर अब क्या हुआ, एक अलग से कानून बनाने के लिए 6 सदस्य की टीम का गठन किया गया, ठीक है, जो विधान परिषद कहलाता है। वो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत ही हुआ, ऑलरेडी पूरी कहानी आपको बताई गई है पूरी डिटेल में, तो वो कोर्स देख लीजिए पूरा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत राज्य सचिव की पोस्ट कब आई? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, चलिए बताइए। बिल्कुल सही, इसका आंसर है 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि इसमें पहली बात आपको समझ में आ गया होगा कि अब गवर्नर जनरल जो नाम था अब उस पद का नाम हो जाएगा वायसराय, ठीक है, क्या हो जाएगा, वायसराय। और सबसे पहले ये आपको मालूम होना चाहिए, वायसराय होगा तो पहले वायसराय कौन है भारत के, तो लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग उनका नाम है, ऑलरेडी आपको बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये याद रखिए डायरेक्ट। और ये 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये, क्योंकि इसमें क्या हुआ, डायरेक्ट जो सत्ता है वो महारानी विक्टोरिया के अधीन चली गई थी, ठीक है, तो इसलिए
जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल पहले पढ़ाए गए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपको पढ़ाए गए, उनसे डायरेक्ट शक्तियां छीन ली गई और शासन जो है ब्रिटिश संसद की ओर से कौन चलाएगा, भारत राज्य सचिव चलाएंगे, ठीक है, भारत राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया चलाएंगे। अब इनकी सहायता के लिए 15 सदस्य की एक टीम का गठन किया गया जो इंडिया काउंसिल के नाम से जानी जाती थी, भारत परिषद के नाम से जानी जाती थी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। 1857 की क्रांति हुई थी आप जानते ही हैं, तो इसी कारण से, इस महान क्रांति कारण से जो भारत का शासन था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिया गया और डायरेक्टली शासन कहाँ चला गया, महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। और ब्रिटिश संसद की ओर से शासन कौन चलाएगा भारत में, तो भारत राज्य सचिव चलाएंगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया चलाएंगे। अब इनकी सहायता के लिए 15 सदस्य वाली जो टीम थी उसका नाम था भारत परिषद, इंडिया काउंसिल, इसका गठन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, इंडिया काउंसिल जो 15 सदस्य वाली टीम थी ये सलाह देती थी, ठीक है। अब इनकी सलाह को मानना या ना मानना वो भारत राज्य सचिव के ऊपर था, अभी बाध्य नहीं थे कि इनकी सलाह को मानना ही मानना है। अब इसी अधिनियम के तहत वायसराय को मजबूर कर दिया गया कि कोई भी काम होगा वो, कोई भी मेजर काम होगा वो भारत राज्य सचिव की आज्ञा ही लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, पहली बार कब गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो इसका आंसर बताइए चारों में से, जल्दी बताइए। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, तो आंसर है आपका 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो इसी अधिनियम के तहत ऐसा पहली बार हुआ कि कानून बनाने की प्रक्रिया में पहली बार जो है वो इंडियन को शामिल किया गया, भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया, क्योंकि आपको बताया जो वायसराय था एक तो उसकी कार्यकारी परिषद थी, ठीक है, और दूसरी विधान परिषद थी ना उसकी, वायसराय की एक विधान परिषद थी जो कानून बनाती थी, एक कार्यकारी परिषद थी। अब इस विधान परिषद में पहली बार 3 भारतीयों को जोड़ा गया, उन तीनों भारतीयों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, एक थे सर दिनकर राव, एक का नाम था सर दिनकर राव, इनका नाम तो इम्पोर्टेंट आपको याद रखना, सर दिनकर राव, और दूसरे पटियाला के राजा थे और तीसरे बनारस के राजा थे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। पहली बार भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया कब, 1861 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें सर दिनकर राव को, पटियाला के राजा को, बनारस के राजा को, तीनों को ऐड किया गया। और ये भी आपको याद होना चाहिए कि उस समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग ही उस समय वायसराय थे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात ये भी याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस वायसराय की परिषद में पहली बार विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई, अर्थात मंत्रिमंडल व्यवस्था की शुरुआत हुई किस वायसराय की परिषद में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका चार ऑप्शन में से आंसर जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, तो इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग, जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम था उसी के तहत वायसराय की जो परिषद थी उसमें विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई अथवा मंत्रिमंडल व्यवस्था की शुरुआत हुई। मतलब इसके अंतर्गत क्या था, जो वायसराय के परिषद के जो सदस्य थे ना उनको कम से कम एक या दो जो सरकारी विभाग थे वो दिए गए, जैसे आज होता है ना कि रेल मंत्रालय दे दिया, शिक्षा विभाग दे दिया, उस तरीके से ये थे। तो पहली बार विभागीय प्रणाली या मंत्रिमंडल व्यवस्था की शुरुआत कब हुई, 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसमें हुई और लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ये शुरू किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट देखते हैं, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन चारों में ऑप्शन में से आपको आंसर बताना है, तो जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, इसका आंसर है 1892 का भारत परिषद अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, अभी आपको बताया जो विधान परिषद थी, विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीयों को जोड़ा जा रहा था ना, आपको मालूम है, बताया भी था आपको। अब उन भारतीयों की जो शक्ति थी वो लिमिटेड थी, मगर 1892 का जो अधिनियम आया इसमें क्या हुआ, पहली बार जो विधान परिषद के जो सदस्य थे उनको बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई, ठीक है, मगर वो क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते थे, ठीक है, बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई, अपनी सलाह दे सकते थे, क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते थे। तो पहली बार कब हुआ, 1892 में, बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिए। और इससे पहले 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था इसकी चर्चा हमने की है,
और 1909 जो भारत परिषद अधिनियम है, ये मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उस समय जो मार्ले थे, लॉर्ड मार्ले, ये इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे, और जो मिंटो थे ये वायसराय थे उस समय। और ये देखिए, भारत शासन अधिनियम जो 1919 है ना, ये माउंटिंग चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों अधिनियम किस सुधार के नाम से जाने जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। माउंटिंग चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी ये जाना जाता है। अब इसमें कौन भारत राज्य सचिव हैं और कौन वायसराय हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जो चेम्सफोर्ड हैं ये वायसराय थे, और ये सचिव थे, भारत राज्य सचिव थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना, याद रखिए, संघीय न्यायालय की स्थापना की जो स्थापना है ये कब हुई, किस अधिनियम के तहत हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उच्चतम न्यायालय आपको बता दिया, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत हुई है। अब संघीय न्यायालय की स्थापना आपको बताना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर बताना आपको, चार ऑप्शन में से जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 का राइट आंसर है। तो इसी में लक्ष्य रखा गया था कि एक संघीय न्यायालय की स्थापना करनी है, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए आगे चलकर 1 अक्टूबर 1937 को भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है। उस संघीय न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम आपको याद होना चाहिए, मॉरिस ग्वेयर। मॉरिस ग्वेयर ये उनका नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? अब केंद्र में जो द्वैध शासन जो प्रणाली है ये किस अधिनियम के तहत चालू हुई, ये आपको बताना है। तो ये चार ऑप्शन आपके पास है, इसमें बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। अब देखिए, प्रांतों में जो द्वैध शासन जो है वो 1919 में लगाया गया था प्रांतों के अंदर, मगर 1935 में प्रांतों के अंदर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन ला दिया गया। अब केंद्र में द्वैध शासन के तहत क्या हुआ, इसे दो भागों में बांट दिया, एक आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। उसका डिटेल पार्ट आपने कोर्स में देखा होगा। अब 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था लाई गई थी, मगर 1935 में केंद्र में लाई गई, प्रांतों में हटा दी गई, केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था लाई गई। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, पहली बार कब केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना केंद्र में पहली बार कब हुई? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, चार ऑप्शन में से जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, यही इसका राइट आंसर है। तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। जो अपर सदन था वो राज्य परिषद कहलाता था, ठीक है, राज्य परिषद कहलाता था, जिसमें टोटल सदस्य कितने थे, 60 थे, और इनका कार्यकाल कितना था, 5 वर्ष का कार्यकाल था। और जो निचला सदन था वो केंद्रीय विधानसभा कहलाता था। क्या कहलाता था, केंद्रीय विधानसभा कहलाता था। इनके सदस्यों की जो टाइम पीरियड था वो 3 वर्ष का था, इसमें टोटल सदस्य 144 थे। ठीक है, ऊपर सदन जो राज्य परिषद था इसमें 60 सदस्य थे, केंद्रीय विधान परिषद में 144 सदन थे। तो इस तरीके से द्विसदनीय विधान पालिका की शुरुआत हुई, जैसा इस समय आप देख रहे हैं राज्यसभा लोकसभा, उसी प्रकार। अब इसमें भी देखिए, 60 सदस्य जो थे इसमें से 34 तो निर्वाचित होकर आए थे और 26 जो है वो मनोनीत किए गए थे, जैसे राज्यसभा में 12 मनोनीत किए जाते हैं ना, और इसी तरीके से यहाँ पे 26 को मनोनीत किया गया था, 34 निर्वाचित होकर आए थे, और 144 में से 104 सदस्य तो निर्वाचित होकर आए थे और 40 मनोनीत किए गए थे, ये भी याद रख लीजिए। तो दो सदन के नाम आपको याद होने चाहिए, राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट है, केंद्रीय विधान परिषद सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान कब शामिल किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल्दी से इन चार ऑप्शन में से इसका आंसर बताइए। बिल्कुल सही, तो इसका राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसी अधिनियम के तहत एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, और इस अखिल भारतीय महासंघ का जो निर्माण होना था वो उस समय की जो ब्रिटिश भारत का जो प्रांत थे वो, और जो चीफ कमिश्नरी प्रांत थे वो, और जो देसी रियासतें थी, इन तीनों को मिलाकर बनना था, मगर ये व्यवस्था लागू नहीं हो पाई क्योंकि जो देसी रियासतें थी उन्होंने मना कर दिया था।
तो इसलिए ये व्यवस्था लागू नहीं हो पाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर बताना आपको, चार ऑप्शन में से जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधान किया गया था बर्मा जो है भारत से अलग कर दिया गया था, तो इसी के अनुरूप चलते हुए आगे चलकर 2 साल बाद 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। तो इतनी बात आपको याद रखनी है, बर्मा यानी कि म्यांमार, म्यांमार के नाम से भी जाना जाता है, इसी कैपिटल भी आपको मालूम होने चाहिए। फिर नायपीडा, NYPYIDAW। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना? देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 जो था ना, उसी के आधार पर यह फैसला लिया गया था कि आगे चलकर 1937 में चुनाव हुए थे देश में, ये चुनाव जो थे प्रांतीय, जो विधानमंडल के चुनाव होते हैं ना, वो चुनाव थे। इसमें जो कांग्रेस पार्टी थी वो उभर कर सामने आई थी, उन्होंने 6 प्रांतों में तो बहुमत में सरकार बनाई थी और 2 में गठबंधन की सरकार बनाई थी, तो टोटल 8 जगह उन्होंने सरकार बनाई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बंबई, यहाँ पे बहुमत था, जबकि असम और उत्तर पश्चिम प्रांत में यहाँ पे गठबंधन की सरकार थी। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कितने प्रांतों में चुनाव हुए थे, तो 11 प्रांतों के लिए, केवल 3 प्रांतों में सरकार नहीं बन पाई थी कांग्रेस की, एक था बंगाल, पंजाब और सिंध, ये 3 प्रांतों में नहीं बन पाई थी, बाकी 8 जगह कांग्रेस की सरकार बन गई थी। तो आज के इस टेस्ट सीरीज में इतना ही, ये टेस्ट सीरीज कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा, इसको हम फिर कंटिन्यू करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़ते जा रहे हैं, जो कंसेप्ट पढ़ते जा रहे हैं, उसको हम टेस्ट के रूप में हम देखते रहेंगे, जिससे कि आपका जो है इंडियन पॉलिटी सबसे इजी सब्जेक्ट आपको लगना शुरू हो जाए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। स्क्रीन पे जो 4 लेक्चर आ रहे हैं इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।